आए दिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे मामलों को लेकर रोहतास पुलिस ने नई कवायद शुरू की है। इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना परिसर में महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। दरअसल इस महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन रोहतास के एसपी आशीष भाटी ने किया। रोहतास एसपी आशीष भाटी ने बताया कि जिले में महिला थाना होने के अलावे नगर थाने में यह व्यवस्था दी गई है, साथ ही जिले के अन्य थानों में भी इस तरह के महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना है, जिस पर काम चल रहा है। इस हेल्प डेस्क बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े मामलों में तैनात पुलिसकर्मी संवेदनशील होंगे तथा इन मामलों पर विशेष निगाह रखी जाएगी। बता दें कि इस तरह की पहल से खासकर महिलाएं थाने में आकर अब अपनी समस्याओं को बेझिझक महिला अधिकारियों के सामने रख सकेंगी और उनकी मुश्किलें हल होंगी। बिहार डेस्क से खुशबू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अपन बिहार। देखिए, महिलाओं एवं बच्चों को विशेष ध्यान को देखते हुए रोहतास जिले के 12 थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया है और जिसका शुभारंभ यहाँ पे सासाराम टाउन थाना के में हेल्प डेस्क से किया गया है। और इस हेल्प डेस्क को एक बेहतर तरीके से बनाया गया है, जो मुझे लगता है कि जिसको हम लोग प्रयास करेंगे अन्य सभी जगहों पे भी उसी प्रकार का हेल्प डेस्क बनाने का। इसमें महिलाओं और बच्चों को लेकर के विशेष व्यवस्था रहेगी। इसकी प्रभारी महिला पुलिस पदाधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में उस थाने में प्रतिनियुक्त महिला वरीय महिला जो कर्मी है वो रहेंगी। और इनका मुख्य दायित्व रहेगा कि जो महिलाओं से जब कोई समस्या लेकर के आती है तो उसको वो सुनेंगी और उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है उसका वो पूरा प्रयास रखेंगी। और उनसे उनको कोई भी समस्या अगर कोई आती हो तो उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगी।